है देहरादून से, जहां नगर निगम के मेयर पर कुर्सी का रंग ऐसा चढ़ा कि मेयर किसी को कुछ समझते ही नहीं है, जनता की फरियाद नहीं सुनते और लोग मेयर के दरबार से परेशान होकर वापस लौट जाते हैं क्योंकि वो किसी की सुनते ही नहीं है। अगर उनके कार्यालय में कोई फरियादी अपनी फरियाद लेकर जाता भी है तो वो शायद उसके साथ इसी तरीके का शिकार रवैये का होता है, जिसे रवैये का शिकार शुक्रवार को एक पत्रकार हुआ। जी हाँ, देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने जो बर्ताव एक पत्रकार के साथ किया, ऐसा लहजा सूबे के मुखिया भी किसी के साथ प्रयोग नहीं करते होंगे। दरअसल मामला है दून नगर निगम के कार्यालय का, जहां मेयर साहब से पत्रकार बाइट लेने पहुंचा, लेकिन मेयर साहब ने बाइट देने से साफ इनकार तो कर ही दिया। यही नहीं, मेयर साहब ने उनके लोगों के साथ उनके द्वारा उनसे बदसलूकी भी की गई। पूरा वाकया दरअसल शुक्रवार यानी आज ही का है, जब एवन टीवी के पत्रकार यशराज आनंद ने देहरादून में लगे होर्डिंग्स, जो कि शहर को बदरंग बना रहे हैं, बदसूरत बना रहे हैं, उसको लेकर मेयर साहब का पक्ष जानने पहुंचे तो मेयर साहब ने साफ इनकार कर दिया और बोले जो भी कुछ पूछना है कैमरा बंद करके पूछो। जब पत्रकार ने कैमरा बंद नहीं किया तो मेयर साहब भड़क उठे और पत्रकार को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और मेयर साहब की इस हकीकत को देखकर जनता भी स्तब्ध है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब पब्लिक सरोकारों से जुड़े मेयर साहब पत्रकारों से ही ठीक से पेश नहीं आते तो जनता से कैसे रूबरू होते होंगे, इसका अंदाजा लगाना होगा। क्या मेयर साहब का एक पत्रकार से इस तरीके का बर्ताव जायज है? क्या सवाल पूछने गए पत्रकार से बदसलूकी करने वालों को मेयर सुनील उनियाल गामा को रोकना नहीं चाहिए था, जबकि मेयर साहब भी खुद ही पत्रकार पर भड़क? आप लोगों से बात नहीं हो रही, देखिए अपने आप में काफी संजीदा ये मसला है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। आपका बुलाएंगे तैयारी में आए हो आप, क्या आपको लेंगे समय लेंगे तो मैं आपको दूंगा, जरा नहीं होगा तो दूंगा। अच्छा सर, ये होर्डिंग बोर्डिंग के विषय में जो इतना है, किनसे? आप कौन है? कौन से चैनल से हैं? मैं A1 चैनल से हूँ, यशराज आनंद मेरा नाम है। ओके सर, थैंक यू। मैं सर, आप बाइट दे सकते हैं सर, इसको बंद करो। तो सर मुझे बाइट लेनी है आपसे, मुझे आपको टाइम देना था। दे रहे आपको बाइट, दे रहे टाइम, दे रहे बुला रहे आपको, बुला रहे मैं सर, आप बाइट दे सकते हैं सर, इसको बंद करो। तो सर मुझे बाइट लेनी है आपसे, मुझे आपको टाइम देना था। दे रहे आपको बाइट, दे रहे टाइम, दे रहे बुला रहे आपको, बुला रहे। तो देखिए वही वीडियो जिसमें मेयर सुनील उनियाल गामा साफ तौर पर पत्रकार के साथ बदसलूकी करते हो और इस तरीके का बर्ताव, जो लहजा उनका है, वो यकीनन यहां पर पत्रकारिता के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया को दबाने की कोशिश करता हुआ एक लहजा उनका सामने आया। जब बाइट के लिए पत्रकार ने उन्हें पूछा तो साफ उन्होंने कर दिया कि कैमरा बंद कर दीजिए, चूंकि कैमरे का तो यहां पर रोल ही इतना बड़ा है, कैमरे के जरिए ही हम आपको जानकारियां देते हैं, खबरें सुनाते हैं, जब कैमरा ही बंद करवाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि समय लेकर आए या फिर आए ही ना। मैं आपसे बस सर, तो किस तरीके की दादागिरी है एक पत्रकार के साथ आम जनता का, तो यहाँ पर किस तरीके से सुनवाई होती होगी? मुझे उनसे देखिए, आम नागरिकों को, लोगों को शहर के अंदर किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसको देखने का काम नगर निगम का है, पार्षदों का है और साथ में अध्यक्ष जी का है। और जिस तरह से देहरादून के अंदर अवैध जो है होल्डिंग लगी हुई है, उससे लोगों को परेशानी हो रही है, तो उनको हटाने का काम नगर निगम ने करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जिला प्रशासन ने भी उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मेयर जाता है तो मेयर साहब जवाब देने के बजाय नहीं, देखिए ये तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन को भी देखना चाहिए, नगर निगम को भी देखना चाहिए। यदि अवैध होर्डिंग देहरादून में लगे हुए हैं तो तत्काल प्रभाव से इसको हटाने का काम करें, और अगर मेयर जो है उनको संरक्षण देने का काम करता है तो कदापि उचित नहीं है। इससे जो है भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति उजागर होती है कि वो सत्ता के मद में मदमस्त होकर के तमाम गलत कार्यों को संरक्षण देने का काम करता है।
सरकार को यहाँ नगर निगम से लेकर सरकार तक तानाशाही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी निर्वाचित या प्रतिनिधि हों या अलग अलग पदों पर आसीन लोग हों, प्राय देखने में आ रहा है कि जनता से और पत्रकारों के प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। जब भी कोई जनता के हित का कोई सवाल उनसे पूछा जाता है तो उस पर वो गुस्से में या अजीब भावना के तहत उनसे वो जवाब देते हैं, तो जो कि लोकतंत्र में कतई स्वीकार्य नहीं है। अगर कोई गुस्सा करके कोई जवाब दिया जाएगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें आपको हर सवाल जनता के प्रतिनिधियों के चौथा स्तंभ है पत्रकार मीडिया, तो उसका जवाब देना लाजमी है। तो जो अगर गलत व्यवहार किया गया तो इस लोकतंत्र में कतई किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। आज देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा जी ने जिस तरह का व्यवहार किया एक पत्रकार के साथ, वो वाकई में शर्मनाक है, शोचनीय है। इससे पहले भी त्रिवेंद्र रावत जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने एक टीचर के साथ बदसलूकी की। अरविंद पांडे जी ने जिस तरीके से एक पत्रकार के साथ व्यवहार किया था, और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेयर उनियाल गामा जी ने जो व्यवहार किया है वो बिल्कुल भी काबिले बर्दाश्त नहीं है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी को इनके जितने पदाधिकारी हैं या इनके जीते हुए लोग हैं, उन सबको अपनी सत्ता का इतना ज्यादा मद हो चुका है, इनको शायद ये लगता है कि बीजेपी जो है वो अजर अमर हो गई है और ये कभी हार नहीं सकते और ये हमेशा ही इसी तरह से सत्ता के प्रतिष्ठानों पर जमकर बैठे रहेंगे। किंतु मैं समझती हूं कि जनता इस बात को देखती है, समझती है कि उन्होंने जिनको चुना है, कहने जिस समय चुनाव आते हैं आप अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं, कहते हैं कि मैं सेवा के लिए यहां पर आया हूं, लेकिन जिस समय आपको सत्ता मिल जाती है आपके तेवर एकदम बदल जाते हैं। सुनील उनियाल गामा जी ने आज जो धृष्टता की है उसके लिए मुझे नहीं लगता कि जनता उनको कर पाएगी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ उनका व्यवहार बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है।